आपको जाना है जयपुर से श्रीनगर, फ्लाइट है जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से श्रीनगर। आपको तो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरकर प्लेन बदलनी पड़ती है, लेकिन आपका सामान आपको सीधा मिलता है श्रीनगर एयरपोर्ट पर। कभी आपने ये सोचा कि ये सामान कैसे फ्लाइट बदलता है? जब जयपुर एयरपोर्ट पर आप अपना लगेज चेक इन के लिए देते हैं तो उस पर कुछ इस तरह का कोड वाला पेपर लगाया जाता है जिसमें होता है आपका नाम, आपका डेस्टिनेशन और एक बारकोड। फिर कन्वेयर बेल्ट इस सामान को ले जाता है सॉर्टिंग एरिया में, जहां बेस्ड अपॉन बारकोड ये राइट फ्लाइट यानी आपकी दिल्ली वाली फ्लाइट के होल्डिंग एरिया में चला जाता है। फ्लाइट का जो स्टाफ होता है वो ट्रांजिट लगेज को एक अलग कंटेनर में रखता है और जब फ्लाइट लैंड होती है तो सामान सीधा भेज दिया जाता है दिल्ली एयरपोर्ट के सॉर्टिंग एरिया में। यहाँ पर फिर से बारकोड के हिसाब से ये सामान श्रीनगर की फ्लाइट के होल्डिंग एरिया में चला जाता है। तो इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी में कभी कभी ह्यूमन या फिर मशीन एरर से आपका लगेज इधर उधर हो सकता है। IATA रूल्स के हिसाब से अगर 21 दिनों तक आपको अपना लगेज नहीं मिले तो एयरलाइन आपको कंपनसेट करेगी। वैसे एक बार हमारे साथ हो चुका है जयपुर एयरपोर्ट पर, हमारा लगेज बेल्ट से कोई और लेडी अपना बैग समझ के ले गई, उनका नाम था मिसेस हरजानी। वैसे बैग तो बाद में मिल गया, लेकिन मेरी डॉटर आज भी कहती है हरजानी मेरा बैग ले गई।